मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की चर्चा के बीच नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में तमाम गुटों के नेता सक्रिय हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक अपने नेता को यह जिम्मेदारी दिए जाने के लिए लामबंद हो गए हैं। दूसरी तरफ कुछ नेता उन्हें इस जिम्मेदारी को दिए जाने पर तंज भी कसने में नहीं चूक रहे हैं। ये तक कह रहे हैं कि इस चुनाव ने सभी छोटे बड़े चेहरों की एक लाइन में खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच मंत्रालय में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद देश भर में कांग्रेस संगठन में फेरबदल के लिए इस्तीफों का दौर चल रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनने पर अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव तक उन्हें हाईकमान ने जिम्मेदारी संभालने को कहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में पासा पलट गया और अब नए चेहरे को पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने की मांग उठने लगी है। प्रदेश में कांग्रेस में विभिन्न गुटों के नेताओं में नाम चर्चा में आ गए हैं, लेकिन यही नहीं, मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री नाथ और दिग्विजय सिंह के बीच बंद कमरे में चर्चा भी हुई। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच चुनाव में हार के बाद अब अध्यक्ष पद को लेकर कवायद तेज हो गई है। दुर्गेश, लगातार जिस तरीके से जो मुद्दा उठ रहा है कि नए अध्यक्ष को यहां पे मनोनीत किया जाए, जिसमें जो है सिंधिया समर्थक सबसे ज्यादा जो है तेजी से काम कर रहे हैं और सिंधिया को अध्यक्ष पद दिए जाने की मांग लगातार बुंदेलखंड, चंबल और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उठने लगी है। क्योंकि इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में जो है कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर अब कमलनाथ ने भी स्वीकार कर लिया है कि हालांकि ये जो हार है ये उनकी है, वह स्वीकार कर चुके हैं। क्योंकि उन्होंने हालांकि चुनाव से पहले अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, पर आलाकमान ने जो है उन्हें ये लोकसभा चुनाव तक रुकने के लिए कहा था। और वैसे भी कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अध्यक्ष रहते हुए उतना समय अपनी दूसरी पोस्ट को नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है और कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए काफी इंतजार भी करना पड़ता है कमलनाथ का। दुर्गेश, फिलहाल गुटबाजी भी सामने देखने को मिल रही है। सिंधिया समर्थक अपनी मांग कर रहे हैं और बाकी अपनी मांग कर रहे हैं, तो गुटबाजी एक तौर पर देखने को मिल रही है। साथ ही बैठक हुई है कमलनाथ और दिग्विजय के बीच, क्या कुछ इस बैठक में निष्कर्ष निकल के आया है आपके पास अगर जानकारी हो? देखिए, कल जो मंत्रालय में एक बैठक की गई, जिसमें सभी विधायकों के ऊपर लगभग दस दस विधायक के ऊपर एक एक प्रभारी मंत्री को बिठाया गया है, ताकि जिस तरीके से भाजपा सरकार प्रेशर बना रही है सरकार तोड़ने के लिए कि सरकार हम बनाएंगे, इस तरीके से जो है अब एक प्रभारी मंत्री उनके ऊपर, विधायकों के ऊपर थोप दिया गया है, जिससे कि वो सीधा संवाद अपने विधायक से कर सकते हैं और विधायक जो है उनकी, मंत्री जो है उनकी मांगों को जो है कमलनाथ तक पहुंचा सकते हैं। इसके बैठक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच एक बंद कमरे में हुई, औपचारिक बैठक थी। हालांकि वो अध्यक्ष पद को लेकर ही उस पर चर्चा थी, क्योंकि एक तरफ अब दिग्विजय सिंह भी चुनाव हार पर कहीं ना कहीं जो है ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया और दिग्विजय बीच जो है वो अध्यक्ष पद को लेकर टकराव जारी है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र।